हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम हमें बता दीजिए, हमें MBSC नर्सिंग के लिए अपीयर होना 2025 में, हम कैसे प्रिपरेशन करें। पैरामेडिकल्स के भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम हमें बता दीजिए, हमें 2025 में एम्स का एग्जाम देना है, तो हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो इस टॉपिक पे मेरा वीडियो, जैसे कि मैंने बोला था कि मतलब मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैंने बोला था बच्चों से कि जैसे मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो अब वो अभी मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हमारे वैकेशन चल रहे हैं, तो फिर मैं आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाते जाऊंगी। आप उन सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, जिन बातों को आपको ध्यान रखना है और आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है, तो मैं इसमें सारे पॉइंट्स को कंसिडर करूंगी जो आपको 2025 में सिलेक्शन दिला सकता है 100%। ठीक है, तो आप मेरी उन सारी बातों को फॉलो करिए और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाती हूँ और मैं जो भी अपडेट्स होता है एम्स का वो बच्चों को इन्फॉर्म करती रहती हूँ। तो आपको और आप मेरे टेलीग्राम का पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी अपडेट्स आता रहता है मैं बच्चों को वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ, बच्चे वहाँ पे देखते रहते हैं। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें मैं इन सब सारे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी। मतलब कि जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम में अपियर होने के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहता है, ये सब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और टेस्ट कहाँ से हमें देना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, इन सब सारे नेगेटिव मार्किंग है क्या, इन सब सारे टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बातें करेंगे। तो अगर फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल एग्जाम में 2025 में अपियर होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या होगा, क्या करना होगा, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, यानी कि आपको एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या होता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम के पैटर्न के साथ साथ एग्जाम फॉर्मेट क्या है, मतलब कि एग्जाम का क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे किस लेवल का क्वेश्चन आता है, सब सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए पहले से, ताकि आप जब मेंटली पहले से प्रिपरेशन करते रहेंगे और आपको पता होगा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप उस तरीके उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस हिसाब से पढ़ाई को करेंगे तो सिलेक्शन आपका श्योर ही हो जाएगा। और मैं और बता दूँ तो जो एग्जाम का पैटर्न है इसमें आपका सिलेबस 11th और 12th की पूरी NCERT है, यानी कि स्पेशली बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स की 11th और 12th की पूरी NCERT आपको आनी चाहिए, यानी कि जो भी NCERT की रीडिंग आप अच्छे से करिए, स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तो 100% आपको NCERT ही पढ़ना है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाना है। और आप फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हैं, आप जो भी स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद से इसमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगा आपके एग्जाम में, तो एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम की मार्किंग स्कीम इसमें यह है कि अगर आप 100 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन करेक्ट होंगे आपके तो आपको 1 मार्क मिलेंगे। अगर आपके वहीं पे एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी कि 1 क्वेश्चन रॉन्ग होने पे आपका -1/3 मार्क क्या होगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि 1/-3 का क्या माइनस मार्किंग है इसमें एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल में जो मार्किंग स्कीम है, यानी कि कैसे मार्क्स मिलते हैं, अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उसके जगह पर -1/3 मार्क्स क्या होगा, रिड्यूस कर लिया जाएगा, यानी कि 1/3 मार्क्स ही है, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपके 1 नंबर क्या होगा, माइनस होगा। समझ रहे हैं, मतलब कि आपको इसके लिए 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 क्वेश्चन पे 1/3 माइनस मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इसमें यह है मार्किंग स्कीम।
ठीक है, हम चलिए और आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट के। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने ये समझा कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो एग्जाम का पैटर्न है आपको आना चाहिए, कैसा एग्जाम का पैटर्न है, यानी कि सिलेबस पर आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो आपको पता चल गया कि 11th और 12th की एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के, स्पेशली आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, ठीक है। और मार्किंग स्कीम, ये दो बातें आपको अच्छे से पता चल गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस एग्जाम में अपियर होने के लिए, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में अपियर होने के लिए। अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यता होगी, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आपकी एज 17 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि आपकी एज 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 31 दिसंबर 2024 में आपका एज 17 साल का अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये है सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले सबसे पहले एज का मैंने बता दिया, फिर उसके बाद से क्या है कि और आपका क्लास ट्वेल्थ में आपका एग्जाम में जो भी बच्चे अपियर होंगे वो भी इस एग्जाम में क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो बच्चे अभी बोर्ड का एग्जाम देंगे, यानी कि मार्च में या फिर फरवरी में जो भी एग्जाम होता है, आपका कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईएसएससी बोर्ड हो, जो भी बिहार बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है आपके, आप जिस भी बोर्ड से हैं उसमें अगर आप अपियर करते हैं एग्जाम में, 12th में है अभी आप और एग्जाम देने वाले होंगे, तो आप भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन आपकी जो एज है 17 साल होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है, एग्जाम में बैठने के लिए। और उसके बाद से आपका 12th में मार्क्स कितना रहना चाहिए, यानी कि आप 12th पास, अगर जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि उनके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, यानी कि देखिए और कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए उनके। तो अगर आप वहीं पे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो उनके मार्क्स 55% होने चाहिए 12th में, ठीक है। और वहीं पे अगर आप एससी के हैं और एसटी के हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, किसमें, क्लास 12th की बात है। और 10th के लिए कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इसमें बस 12th का मार्क्स देखा जाता है, लेकिन 12th का भी सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो और आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे ये मैं एम्स बी एस सी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए बता रही हूँ, तो यहीं पर बायोलॉजी की जगह पे जो बच्चे मैथ वाले होंगे तो उनको क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैथ होना चाहिए। अगर बच्चे मैथ वाले हैं तो इनका यहाँ पर बायोलॉजी की जगह पर क्या रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, यानी कि ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपके रहने चाहिए एग्जाम में अपियर होने के लिए, जो मैंने सारे सब्जेक्ट बताए, चार इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर आप मैथ से हैं तो मैथ मैथ पैरामेडिकल वालों बच्चों के लिए है, और बायोलॉजी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वालों के लिए। अगर पैरामेडिकल में कोई का एग्जाम कोई देना चाहता है उसके लिए मैथ का स्टूडेंट है तो भी वो एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन वहीं पर अगर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में एग्जाम देना चाहता है तो वहां पर क्या है, उसकी बायोलॉजी होनी चाहिए तभी वो एग्जाम में बैठ सकता है। और इसके साथ एक एक और चीज़ है कि एम्स में क्या है कि ओनली गर्ल्स ही दे सकते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एग्जाम, और पैरामेडिकल्स में गर्ल्स और बॉयज दोनों दे सकते हैं, और साथ में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो चलेगा। यानी कि पैरामेडिकल एग्जाम को देने के लिए अगर आप बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं या फिर आप मैथ से पढ़े हैं तो आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं पे आप अगर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको इसके लिए गर्ल्स केवल दे सकती है एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एग्जाम, और बायोलॉजी साथ में रहना चाहिए सब्जेक्ट, तभी वो एग्जाम में बैठ सकती है। तो ये सब सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको, सब्जेक्ट कौन सा रहना चाहिए, कितना परसेंटेज रहना चाहिए 12th में आपके एग्जाम में, और आपकी एज क्या रहनी चाहिए, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग चलते आगे और नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी आपने देखा मैं पहले बता रही थी आप लोग को कि आपको टोटली एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे होना चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, यानी कि केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, यानी कि केमिस्ट्री का स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा फोकस करना है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी से, ठीक है। और बायोलॉजी का
पूरा पोर्शन। यानी कि मैं बता दूं एक और चीज, आपका बहुत सारे बच्चों का भी डाउट होगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करेंगे कि क्या जो नीट में सिलेबस डिलीट किया गया है क्या वहां से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं एक चीज बता दूं, जो पोर्शन डिलीटेड है नीट एग्जाम के लिए वहां से भी क्वेश्चंस एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल में 2024 में आया है क्वेश्चन वहां से भी। तो यानी कि आपका कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं है एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग के लिए। यानी कि आपका जितना 11th और 12th का जितना सिलेबस है आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो नीट का सिलेबस एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग का सिलेबस नहीं है, यानी कि नीट का सिलेबस कहीं ना कहीं कम है और एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का सिलेबस कहीं ना कहीं ज्यादा है। आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो कोई भी जो नीट के लिए सिलेबस डिलीटेड है वो एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग में डिलीटेड नहीं है, ठीक है ना। तो आने को एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग में आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। कोई भी आप पोर्शन छोड़ नहीं सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक कोई भी लेसन आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, तो आपका वहीं पर बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और वहीं पे केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन रहता है और फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन रहता है। यानी कि बायोलॉजी से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहेगा और फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चन रहेगा और जीके कितना रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि आपके टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 होंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया। और इस 100 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में सॉल्व करना रहता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, तो ठीक है। और एक और मैं बता दूं, यहाँ पर इस एग्जाम का ये पैटर्न रहता है मोस्टली कि बायोलॉजी आपकी इजी रहती है, ठीक है। और फिर या जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर है, यानी कि मैथमेटिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है यहाँ पे। तो यानी कि जो बच्चे पैरामेडिकल के हैं उनके लिए मैथ भी है। तो मैथ की बात आप कर लीजिए या फिर बायोलॉजी, ये इसका जो पेपर रहता है वो थोड़ा सा इजी रहता है, आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। लेकिन वहीं पे केमिस्ट्री का मॉडरेट रहता है और फिजिक्स थोड़ा सा एम्स का पेपर टफ रहता है, इतना आसानी से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। और जीके आप करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, अभी जनरल नॉलेज जो भी करंट में चीजें हो रही है, जो भी कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता है, या फिर आपने जो 10th तक का मैथ पढ़ा होगा, बेसिक मैथ से रीजनिंग टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आप वहाँ पे एग्जाम में कर सकते हैं। मतलब कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है जीके के लिए, आपको स्पेशली कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बस 10 नंबर का जीके और बाकी सब यहाँ पर ये 19 नंबर के, आने की कहीं ना कहीं वेटेज आपका यहाँ पे ज्यादा है, देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आपका स्ट्रांग पोर्शन है तो आप इसको स्ट्रांग करिए और फिर बाद में जीके को देख लिया जाएगा। लेकिन जीके के लिए आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह को। जीके के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यानी कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करना रहता है। और वहीं पर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर वहीं पर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/-3 क्या किया जाएगा, आपका माइनस मार्क्स कम कर दिया जाएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज, तो आपको इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टोटल पूरा सिलेबस पढ़ना है, अब मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज, जो क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि आप मान लीजिए 30 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 30 क्वेश्चन में से आपके आपके यानी कि बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस में से 22 क्वेश्चन यानी कि 22 क्वेश्चन आपके लगभग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे रहेंगे। और वहीं पे केमिस्ट्री में भी ऐसे ही रहेगा, यानी कि 30 में से 23 क्वेश्चन क्या रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे रहेंगे। और फिजिक्स में से भी 22 क्वेश्चन लगभग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जैसे ही रहेंगे, एमसीक्यू जैसे। और वहीं पर यहाँ पर 8 क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन बायोलॉजी में आपके एसर्शन रीजन टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, और केमिस्ट्री में भी आपके लगभग 7 क्वेश्चन एसर्शन रीजन टाइप से बचेंगे। और वहीं पर फिजिक्स में भी आपके 8 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एसर्शन रीजन टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 8 क्वेश्चन यहाँ पर एसर्शन रीजन जैसे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन हो रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 8 बायोलॉजी में लगभग आप ऐसा मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन एसेंशियल रीजन टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ एसेंशियल रीजन टाइप से क्वेश्चंस, नीट में भी आप देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन एसेंशियल रीजन टाइप से रहते हैं। तो उन सब सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस एक बार जरूर करिएगा, ठीक है। एसेंशियल रीजन टाइप से क्वेश्चन भी इस एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक स्टडी शेड्यूल और उसको स्ट्रिक्टली क्या करना है, फॉलो करना है।
तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अपना खुद का एक स्टडी शेड्यूल बनाना है, और उसमें ऐसा करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ठीक है, मैथ आपका जो भी है पूरा सिलेबस क्या करना है, कवर द इंटायर सिलेबस, यानी कि पूरा सिलेबस आपको कवर कर लेना है, और सारे सब्जेक्ट को यानी कि ईच सब्जेक्ट को क्या करना है, समय देना। ऐसा नहीं कि हमें बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है तो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, हमें मैथ पढ़ने में मजा आ रहा है तो हम मैथ ही पढ़ेंगे, और हम फिजिक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप कहीं ना देख सकते हैं कि सबका वेटेज बराबर है, तो यानी कि आपको समय भी बराबर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो अच्छी है, अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, वीक है फिजिक्स पे, तो आपको क्या करना होगा, आपको काम करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सारे सब्जेक्ट को पढ़ना आपको जरूरी है, ठीक है। और आपको एक गोल सेट करना है रोज, यानी कि सेट ए क्लियर गोल, यानी आपको रोज एक क्लियर गोल रखना है कि हाँ मुझे आज ये लेसन पढ़ लेना है, एक दिन में पढ़ लेना या फिर 2 दिन में पढ़ लेना, जितना टाइम लगे उसके हिसाब से क्या करना है, इसमें कवर कर लेना है ना, टाइम अपने आप बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप जब बनाएंगे स्टडी शेड्यूल अपना तो उसके हिसाब से क्या करना है, हमें कवर कर लेना है। आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप जब भी अपने गोल को सेट करें, तो गोल सेट करते समय ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा गोल सेट कर देंगे जो आप कंप्लीट ही ना कर पाए, तो गोल आपको छोटा छोटा सेट करना है, यानी कि स्टेप में छोटा छोटा गोल आपको सेट करना है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक चैप्टर उठाया आपने और उसको 2 दिन में कंप्लीट कर लिया बायोलॉजी का, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए, अगर आप रिपीटर हैं तो आप बायोलॉजी का एक चैप्टर एक दिन में समाप्त कर सकते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप समय ले सकते हैं और उसको आप धीरे धीरे रिपेयर करते हैं। यानी कि बस आपको एक कोशिश रखना है कि एक ऐसा शेड्यूल बनाना है आपको अपनी पढ़ाई का कि जो आपका पूरा इंटायर सिलेबस को, जब भी आप मतलब कि देखिए अभी आप फ्रेशर होंगे उस बच्चे के लिए है, वो पूरा समय दे करके एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़े, लेकिन आप रिपीटर हैं, अगर आप इस बार एग्जाम दिए थे, अगर आपका कुछ नंबर से रुक रहा है, तो आपको कोशिश करना है जल्दी जल्दी पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए, और उसका बार बार रिवीजन करने की, रिवीजन करने की बहुत जरूरी है। अगर आप चीज को जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी डीपली उतना जल्दी आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो आपको भूल सकता है, जिसके लिए आपको बार बार क्या करना है, रिविजन करते रहना है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आपको मैंने बता दिया कि सेट एक क्लियर गोल आपको सेट करना है, उसके बाद आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो आपको पढ़ाई कर रही थी कि आपको यूज करना है एक्टिव लर्निंग टेक्निक, यानी कि जैसे कि आपको समराइजिंग करना है, यानी कि समराइजिंग आप कैसे करेंगे, यानी कि आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने बायोलॉजी की कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या फिर आपने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लिया, कोई भी आप इनमें से आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर मैथमेटिक्स का भी आपने मान लीजिए पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दिमाग में ऐसे दौड़ाना है कि जो मैंने पढ़ा मुझे अभी क्या क्या याद है, फिर आप ऐसा कर सकते हैं एक कॉपी और पेन लेकर के आप लिख भी सकते हैं, मैंने इसमें ये टॉपिक था, इसमें जितना आपको याद है आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ताकि इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप किन किन बातों को बोल रहे हैं, आपको क्या क्या और भूल रहा है, जिसपे आपको क्या करना है, फोकस करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है, उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके क्या करते हैं, एक समरी बना सकते हैं, आने की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, देख आप अलग से एक नोटबुक बना सकते हैं कि इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को भूल रही हूँ, इस बात को भूल रही हूँ बार बार, जब उसको आप नोट कर लेंगे तो आप उसको जब बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैं इस चीज को भूल रही थी, मुझे याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक चीज मैंने ये बता दिया, फिर आपको मॉक टेस्ट देना है, अगर आप कोई मॉक टेस्ट आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप कोई मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट लेकर आइए, यानी कि आप नीट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको एग्जाम से पहले कर देना। देखिए मैं बता रही हूँ, आपका जो नीट का एग्जाम है वो मई में होता है, तो आपका नीट का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा, फिर बहुत होगा तो सेकेंड वीक ऑफ मई होगा, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका नीट का एग्जाम होगा, और सेम 1 महीने बाद यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एमसीबीएसई ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम होगा, यानी कि लगभग आपके पास 1 महीने का गैप रहता है। तो आप सबसे अच्छा रहेगा कि आप नीट का प्रिपरेशन करिए, अगर आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ आपका एम्स, बीएससी, ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी
ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई बिना किए ही आपका नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, ये चलो नीट नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। आपका अगर आपका एम्स बी एस सी होनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल है तो आप नीट का प्रिपरेशन जरूर करिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करना है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तीनों आता है, और उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। और वहाँ पे कुछ ऐसे जिन क्वेश्चन भी आ रहे होंगे तो आप देखिए, आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद जब वो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बनेंगे नहीं, तो ठीक है, क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना अपने वीकनेस को, ठीक है। तो अपने का जो भी वीकनेस है आपका, तो अपने वीकनेस को क्या करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारी क्या वीकनेस है, हमें कौन से, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है, हमें क्या क्या इम्प्रूविंग करना है, इन सब सारी जो जहाँ जहाँ पे आपकी वीकनेस, यानी कि जिस एरिया में आपकी वीकनेस है, यानी अगर आपका फिजिक्स में वीकनेस है तो आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपका बायोलॉजी में आपको याद नहीं होता, आपको बार बार याद करना है, ठीक है। और क्या करना है आपको, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आप जिस भी स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, आपको कोई भी एक स्टडी मटेरियल ही फॉलो करना है। अगर आप इंक्लूडिंग नोट्स, यानी कि आप और नोट्स भी बनाते हैं तो अपने नोट्स को ही फॉलो करें, और यानी कि आप ज्यादा ऐसा ना करें कभी इस स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे, कभी इधर से पढ़ रहे, कभी उधर से पढ़ रहे, कभी ऐसा नहीं। आपको पूरे साल किसी एक बुक को ही सॉल्व करना है। मैं बोल रही, अगर आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, यानी कि बहुत सारे बच्चे, यानी कि फिजिक्स वाले का बहुत बहुत लोगों के पास होगा, फिजिक्स वाले का बहुत लोगों के पास एलियन का होगा, बहुत लोगों के पास आकाश का होगा, ये सब जिस भी इंस्टीट्यूट का आपके पास स्टडी मटेरियल है, आप उसी को फॉलो करिए 100, किसी एक मटेरियल को फॉलो करिए। लेकिन जिसको फॉलो करेंगे उसको पूरा फॉलो उसी मटेरियल को ही फॉलो करना है, बीच में आपको चेंज नहीं करना है। और आपको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाना है, ताकि आप जो भी, जैसे कि होगा ना कुछ पॉइंट जो आपको नहीं आते होंगे, आपका वीक पॉइंट होगा, तो उसके जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप लास्ट टाइम में अच्छे से रिविजन करते रहेंगे, या फिर जब भी आप टेस्ट देंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप उसको जाकर रिवाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि क्या मेरी वीकनेस है, क्यों क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा। तो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे स्ट्रेटजी है जो आपको एम्स बी एस सी होनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल में सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, और साथ साथ में नीट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज देंगे या फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, तो जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आने की आपसे पूरे टोटल क्वेश्चंस नहीं बने, उसके बाद भी आपको स्टे मोटिवेटेड, आने के उसके बाद भी आपको अपना मोटिवेशन रखना है, आपको डाउन नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर भी आपको खुद को मोटिवेट करके रखना है कि हाँ मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और आपको फिर बार बार कोशिश करना है। अगर उसके बाद भी आप नहीं, आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से क्या करें, कुछ भी हो जाए आपको मोटिवेटेड रहना है कि हाँ मेरे से होगा सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए आप, अगर आपसे एक दो क्वेश्चन नहीं बनता और बाकी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सिलेक्शन से कहीं कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व ना होने पर निराश नहीं होना है, ठीक है, उसके लिए हमें मोटिवेटेड रहना है। और उसके साथ साथ हमें अच्छी नींद भी लेना है, अच्छी नींद, यानी कि अच्छे से सोना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम अगर ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं, उसके साथ साथ हमें सोना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो भी हमको लगता है कि हमारे स्टडी के लिए सही नहीं है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपको उसको क्या करना है, इलिमिनेट करना है, यानी कि जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आपको लगता है कि आपके स्टडी के लिए ये सही नहीं है, आपको अच्छे से स्टडी नहीं हो पा रहा, आपका डिस्ट्रैक्शन है कहीं पे, तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को एटलीस्ट अभी मिनिमाइज कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, एटलीस्ट अपने एग्जाम तक। तो बस एग्जाम के लिए 7-8 महीने बचे होंगे आपके, लगभग 8-9 महीने, 10 महीने, तो आप 10-9 महीने अगर आप स्ट्रगल कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आपका हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा और आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसे कम करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको छोटी सी चीज से आपके पूरे दिन की पढ़ाई बर्बाद हो सकती है। यानी अगर आपसे हो सकता है छोटा सा कुछ भी हो जाए, आपको मेंटली फिजिकली कुछ भी डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी पढ़ाई क्या हो सकती है, लॉस हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल भी कोई भी डिस्ट्रेक्शन नहीं रखना है, ठीक है। और अपना
टेक केयर ऑफ योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अपना फिजिकल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ताकि अभी आपका एग्जाम में काफी टाइम है, अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं, अगर आपका हेल्थ सही रहता है, अगर आप मेंटली हेल्थ सही रहता है, तो आप क्या करेंगे, आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। अगर आपका फिजिकल हेल्थ नहीं सही, अगर आप बीमार हैं या फिर आपका कोई मेंटली डिस्टर्बेंस है, तो फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लेगा और आपकी पढ़ाई इफेक्टिवली नहीं होगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को क्या करें, ध्यान रखें, ठीक है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या करना है आपको, रिवीजन करते रहना है, यानी कि आप जो कुछ भी पढ़े, यानी कि हर एक वीक के बाद, हर एक मंथ के बाद, या फिर आप जब भी कोई टेस्ट सीरीज दे, जो कुछ भी आपने पढ़ लिया है, रिविजन अगेन एंड अगेन, मतलब रिविजन बार बार आपको करते रहना है। और एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई अच्छा सा टाइम टेबल बताऊं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या थोड़ा सा, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगी, टाइम टेबल पे क्या क्या शेड्यूल, कैसे आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा आपको बर्डन भी ना हो, आपकी पढ़ाई भी होती रहे और भी बहुत सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ आप ये भी जरूर कमेंट करें कि आप, मतलब जो आप चाहते हैं टाइम टेबल, वो फ्रेशर के लिए है या फिर आप रिपीटर से हैं, मतलब जिस का भी ज्यादा कमेंट आएगा, मैं उसी से रिलेटेड आने की टाइम टेबल का शेड्यूल बताऊंगी, एक किन के टॉपिक को कैसे पूरा से पूरा जो भी सिलेबस है आपको कैसे, किस मंथ में क्या कैसे आप करके खत्म कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट लास्ट तक 3 से 4 बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी जरूर कमेंट करें, क्योंकि जैसे बच्चे कमेंट करते थे वैसे मैं वीडियो बनाती थी, वही मेरे एग्जाम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तभी मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं भी फ्री हूँ। तो आप जो भी कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे, वीडियो जरूर मैं आपको बनाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें इस वीडियोज को, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं तो उनको भी आप ये क्या कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।